देखिए, अब एक बात बहुत ध्यान से समझिए, इंग्लिश स्पीकिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने अक्सर सुना होगा लोग कहते हैं आई मस्ट गो, आई नीड टू गो, आई हैव टू गो, आई गॉट टू गो, ये सब देखे होंगे। इन सब का लगभग जनरल वे में एक ही मतलब होता है, क्या? जब आपको कोई काम करना है, कोई काम करना आपके लिए जरूरी है, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, मान लो तुम्हें घर जाना है, घर जाना आपकी क्या जरूरत, जरूरी है आपके लिए, तो आप बोल सकते हो मुझे घर जाना है, इंग्लिश होगी आई मस्ट गो, या आई नीड टू गो, या आई हैव टू गो, या आई गॉट टू गो। ये सब बोले जाते थे, बोले जाते हैं और बोले जाते रहेंगे, आगे देखिए। लेकिन इन सबकी जगह आप एक चीज बोल सकते हो, आई गॉटा गो, ये बात समझ में आ रही है आपके? और गॉटा क्या होता है ध्यान रखना, ये जो हैव गॉट टू होता है, हैव गॉट टू, इस पूरे को काट के बना है गॉटा, इसकी शॉर्ट फॉर्म है, याद रहेगा? तो ये बात ध्यान रखना, इन सब की जगह आप ये बोल सकते हो। अगर आपको कहना है मुझे जाना है, तो ये बोलने की जरूरत नहीं है, आई मस्ट गो, आई नीड टू गो, आई हैव टू गो, आई गॉट टू गो, सिंपल क्या बोलेंगे भाई, आई गॉटा गो। जैसे लेट्स हैव सम एग्जांपल्स, अब मैं आपसे कह रहा हूं मुझे अपने पेरेंट्स की, मतलब माँ बाप की बात माननी है, तो आई गॉटा ऑबे माई पेरेंट्स। आपने कहा मुझे अभी निकलना है, अभी के अभी जाना है, तो आई गॉटा लीव नाउ। आपने बोला भाई मुझे अपना घर साफ करना है, तो आई गॉटा क्लीन माई हाउस। तो ये मतलब बात याद रखना, चार चीजें हैं जो हमने अब तक बता दी है, वना, गोना, गोटा, तीनों याद रहेंगी, और एक थी लेमी, क्लियर है? तो गोटा को इस्तेमाल करते रहिए, किसके लिए, जो भी काम जरूरी हो उसके लिए। तो अब जैसे मैं कह रहा हूं आपसे, अब मुझे अगली क्लास में जाना है, आई गोटा गो इन नेक्स्ट क्लास, साइन इन ऑफ।